सोशल जस्टिस, व्हाट इज द सोशल जस्टिस, क्योंकि कभी भी यह क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा। क्वेश्चन अगर सोशल जस्टिस से अगर पूछेगा भी तो पहला क्वेश्चन होगा फिलोसफिकल अप्रोच में रॉल्स और हाफ हाउस को लेकर, ठीक, क्लियर। यानी अगर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चन उठेंगे तो ये क्वेश्चन उठेंगे, और अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर अगर क्वेश्चन राइज करता है तो किसी न किसी प्लानिंग पॉलिसीज प्रोजेक्ट को लेकर क्वेश्चन बनेंगे, क्लियर, समझ रहे हो। तो अगर जनरल तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, तो आप सोशल जस्टिस के बारे में क्या समझते हैं? अगर एक चीज बताइए कि सबको समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल कंडीशन प्रोवाइड की जाए, तो इक्वल कंडीशन प्रोवाइड करने के पश्चात सोसाइटी में इक्वलिटी मेंटेन रहेगी कि इक्वलिटी का डिक्लाइन हो जाएगा और अनइक्वलिटी ग्रोथ कर जाएगी या इंक्रीज करेगी? हाँ, प्रोपोर्शनल इक्वलिटी की बात की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सोशल इंटरेस्ट को लेकर इंडिविजुअल इंटरेस्ट को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, लिमिटेड कर दिया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यह है। एनिमीज कि सोशल इंटरेस्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब अगर ये कंसेप्ट है, ठीक, तो टैक्स पॉलिसी भी समझी जा सकती है। कैपेबल पर्सन पर टैक्स लगा के सोशल वेलफेयर में उसका क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ये भी होता है। हाँ, तो एक, अब अगर इस कंसेप्ट को एनिमीज कि सोशल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट बेसिक चीज यही है, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई केस बोलो जिसको जिसमें ये चीजें प्रूफ हो जाए। मैं बताया हूं इसलिए मैं पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी केस एक बता दीजिए हमें जिसमें यह चीज प्रूफ हो जाए। यह केस है मिनर्वा मिल्स वर्सेज इंडियन यूनियन 1980 का। यदि स्टेट राज्य, सुन लो पहले, लिखना बाद में, मिनर्वा मिल्स वर्सेज इंडियन यूनियन 1980 का केस, यदि स्टेट डीपीएसपी को लेकर, डीपीएसपी समझ रहे हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट को लेकर स्पेशल लॉ बनाता है, लॉ और पॉलिसीज फॉर्मेशन करता है, क्लियर, और इस लॉ एंड पॉलिसीज का ऑब्जेक्ट आर्टिकल 39 बी एंड सी है, बी एंड सी है, और इस स्पेशल लॉ और पॉलिसी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट
एंड मींस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट सस्पेंशन करता है या सस्पेंड होता है. तो व्यक्ति के पास आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 को लेकर रिट निकालने का राइट नहीं होगा. क्लियर? इतना तो समझ में आ गया कि यदि स्टेट यानी राज्य डीपीएस को लेकर कोई पॉलिसीज बनाता है, क्योंकि स्टेट जब भी कोई पॉलिसीज बनाएगा, कोई भी वर्क करेगा, उसमें इंक्लूड द डीपीएस प्रिंसिपल. डीपीएस के प्रिंसिपल को क्या करेगा, वह इंक्लूड करेगा. और उस प्रिंसिपल का ऑब्जेक्ट आर्टिकल 39 बीसी है, और उस स्पेशल लॉ या पॉलिसी से सस्पेंशन ऑफ इंडिविजुअल राइट यानी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार सस्पेंड करते हैं, तो आर्टिकल 32 यानी मींस सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 226 इज इक्वल टू हाई कोर्ट में रिट लाने का राइट नहीं होगा. क्लियर? अब आर्टिकल 39 बीसी कॉपी लाया है पोल्टी का तुम लोग? किसी के पास है यहां पे? इसको हम बताएं कहां हम यूज किया है. रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी लास्ट पैराग्राफ है. समझ रहे हैं? ये 39 बीसी है, यही 39 बीसी है आपका सोशल जस्टिस. ठीक, सोशल जस्टिस या सोशल इंटरेस्ट. क्लियर? अब सुनना, स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसीज को लागू करता है. रिजर्वेशन पॉलिसीज को लागू करता है. रिजर्वेशन पॉलिसीज का ऑब्जेक्ट क्या है? सोशल जस्टिस. लेकिन इस रिजर्वेशन पॉलिसी से आर्टिकल 14, 15 एंड 16 सस्पेंड होते हैं कि नहीं? सस्पेंड होते हैं. तो क्या आप इस फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन को लेकर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट या आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर पाते हो? इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो गया इंडिविजुअल राइट, और स्टेट की पॉलिसीज क्या हो गई? सोशल जस्टिस या सोशल इंटरेस्ट. इसको नोट कर लो, ये जरूर बनाना, सामाजिक हित और व्यक्तिगत हित. केस है मिनर्वा मिल वर्सेज भारत संघ. यह है मौलिक अधिकारों का निलंबन. इसका मतलब यह हो गया कि राज्य जब भी पॉलिसीज बनाएगा, उस पॉलिसीज के माध्यम से वह हमेशा किसके हितों की पूर्ति करेगा? सोशल इंटरेस्ट. यही चीज मैं हमेशा कहता हूं कि स्टेट कभी भी 100% सेटिस्फेक्शन को लेकर वर्क नहीं करता है. वर्क जब भी करेगा वो मेजोरिटी को लेकर करेगा. अब मेजोरिटी ही क्या है? अब तुम ही से मैं, इंडियन एयरलाइंस 1998 में हाईजैक हुई थी काठमांडू से, है? हाईजैक हुई थी ना, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 3 टेररिस्ट को छोड़ा था. ये छोड़ना उचित था या गलत था? है?
बस तीन लोगों को छोड़कर हम 173 लोगों की जान को बचाए हैं। सोशल इंटरेस्ट में स्टेट का क्या हो गया, वर्क हो गया। फिर उसके बाद अगर हम अपने लोगों के 173 लोगों की जान बचाए, फिर हमारे अंदर कैपेबिलिटी रहेगी तो फिर मैं अरेस्ट कर लूंगा उन्हें। लेकिन अगर नहीं छोड़ता हूं तो 173 लोग मारे जाएंगे, 173 लोग मारे जाएंगे कि नहीं। और फिर हम तो कभी उन्हें जिंदा कर नहीं पाएंगे, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट भी यही है कि स्टेट हमेशा सोशल इंटरेस्ट को लेकर ही वर्क करेगी, ठीक। अब सिचुएशन समझो, सोशल जस्टिस एंड जुडिशियल, सामाजिक न्याय व न्यायपालिका, और इन दोनों को मिला दोगे तो ये है, है? पढ़ाया है लेकिन फिर से बता दे, डिक्टेट कर दे रहा है इसको, PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, ठीक। ये है लिबरल अप्रोच ऑफ जुडिशरी, ठीक। और लिबरल अप्रोच में दो चीजें आई थी, लिबरल अप्रोच ऑफ जुडिशरी दो चीजें लेकर आया था, पहला PIL और दूसरा लोक अदालत, ठीक। और ये कंसेप्ट लाए हैं चीफ जस्टिस PN भगवती ने, लिख लीजिए, लिबरल अप्रोच ऑफ जुडिशरी, CJI PN भगवती, PN पाकिस्तान नागालैंड भगवती, PN भगवती, हाँ PN भगवती और कृष्ण अय्यर। लेकिन उस समय क्या थे, PN भगवती चीफ जस्टिस थे। अब सुनो इसके बारे में क्या था, ट्रेडिशनल व्यू ऑफ जुडिशरी, लिंगर एंड टाइम टेकिंग, यानी जुडिशियल प्रोसेस क्या था, लिंगर एंड टाइम टेकिंग, आप ऐड कर लीजिए इसको, लिंगर एंड टाइम टेकिंग, यानी मीन्स लंबित और अत्यधिक समय का उपयोग या प्रयोग, यानी न्यायपालिका का जो परंपरागत दृष्टिकोण है या आज भी न्यायपालिका या जुडिशियरी के ऊपर ब्लेम लगता है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दे तुम ही लोग से, तुमको घर में शैतानी करने में अच्छा लगता है कि घर के बाहर शैतानी करने में अच्छा लगता है? और अगर तुम शैतानी नहीं किए हो तो मैं तुम्हारे चाइल्ड फेज का इंटरप्रिटेशन कैसे करूंगा? कोई भी बच्चा शैतानी न करे इसका मतलब कि तुम शुरू से ही बड़ा पैदा हुआ। सुनो, हर मैक्सिमम बालकों का, बच्चों का यही होता है कि घर के बाहर शैतानी करे। रीजन होता है कि घर में करेंगे तो तुरंत एडवांस पनिशमेंट मिलेगा, समझ रहे? ये सबसे बड़ा। और अगर यही प्रोसेस, जुडिशियल प्रोसेस लिंगर ना हो, टाइम टेकिंग ना हो, तो मैं लिख के देता हूं सोसाइटी में 50% क्राइम डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि लोगों को कानून का भय है ही नहीं।
जैसे घर में करने में डर लगता है कि तुरंत दो तीन चाटा मिल जाएगा, रसीद हो जाएगा, यानी क्राइम और पनिशमेंट के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस होगा 5 to 10 मिनट का, है कि नहीं? या ये लंबा समय है 5 to 10 मिनट, हो सकता है एक ही दो मिनट में रिजल्ट मिल जाए। और यहां पर क्राइम किया जाता है आज और पनिशमेंट मिलता है 15 से 20 साल बाद। जब पनिशमेंट जुडिशरी देती है तब तक तो आदमी या जो क्राइम करने वाला है वो तो मर गया है, या उस क्राइम का इंपॉर्टेंस, उस पनिशमेंट का इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गया है, समझ रहे? तो ये एक सबसे बड़ा, अगर किसी भी सोसाइटी में क्राइम को रोकना है तो आपको अपने जुडिशियल प्रोसेस को तेज करना पड़ेगा। और जुडिशियल प्रोसेस है कैसा? टाइम टेकिंग, है कि नहीं? तो लोगों को कानून का डर होगा? नहीं होगा। क्राइम बढ़ेगी, इसलिए इस प्रोसेस को थोड़ा सा तेज कर। अब इसके लिए दो दो चीजें जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल दो चीज। एक कि जितने केसेज हैं, जितनी प्रॉब्लम है, उतने भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। पहली प्रॉब्लम तो यही है कि जितनी केसेज हैं भारत में उतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि जुडिशरी नहीं है, जजेज नहीं है। और एक आंकड़ा आया है कि भारत में एक जज के ऊपर 22,000 मुकदमे हैं। अब बताइए कि न्यायिक प्रक्रिया कहां पर इफेक्टिव होगी? टाइम टेकिंग है। अब इस टाइम टेकिंग का इंपैक्ट क्या था कि समाज के जो कैपेबल पर्सन हैं इस जुडिशियल प्रोसेस का यूज अपने बेनिफिट के लिए कर ले रहे हैं, क्योंकि कैपेबल पर्सन क्राइम करने के बाद भी अच्छा सा अच्छा वकील करके उस जुडिशियल प्रोसेस को इतना लिंगर कर लेता है, इतना लिंगर कर देता है, इतना टाइम ले लेता है कि उसके सामने जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति है न्याय की उम्मीद में अपना सब कुछ गवा देता है, फिर भी उसे न्याय नहीं मिलती, क्योंकि न्यायपालिका सिर्फ व्यक्ति को तारीख देती है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये ट्रेडिशनल प्रोसेस है तो पूरी जुडिशियल प्रोसेस पर कैपेबल पर्सन का मोनोपोली हो गया कि नहीं? एकाधिकार हो गया। तो क्या सामाजिक, सोशल और इकोनॉमिकल बेस पर जो बिलो स्टैंडर्ड के लोग हैं, क्या उन्हें जस्टिस प्राप्त करने का राइट नहीं है? उन्हें भी तो राइट है। इसलिए एक कंसेप्ट आता है या एक विचार कहा जाता है कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति न्याय प्राप्त करने की उम्मीद में अपना सब कुछ गवा देता है, यहां तक कि महिलाएं न्याय प्राप्त करने की को लेकर अपने मंगलसूत्र तक भी बेच देती हैं, फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिलता। अब इस पूरी स्थिति को जस्टिस पीएन भगवती देखते हैं या जस्टिस पीएन भगवती महसूस करते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को अगर देखते हैं या इस पूरे प्रोसेस को अगर हम एनालाइज करते हैं
तो पूरे जुडिशियल प्रोसेस पर कैपेबल पर्सन की मोनोपोली है। और जब कैपेबल पर्सन की मोनोपोली है, यानी समाज के प्रभावशाली, समाज के जमींदार लोग, समाज के संपन्न लोग, समाज के पूंजीपति अब अच्छे से अच्छे वकील करके अपने प्रोसीजर को या अपने प्रोसेस को किसी न किसी बहाने लंबा कर लेते हैं, तो जो आदमी न्याय प्राप्त करने की उम्मीद में जाता है जुडिशियरी में, उसे न्याय मिला, उसे न्याय नहीं मिला। अब इस स्थिति को या इस सिचुएशन को लेकर जस्टिस पी एन भगवती ने लिबरल अप्रोच लाया और कहा दिया कि यदि कोई व्यक्ति अपने सामाजिक और आर्थिक स्थिति के कारण न्याय प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उस व्यक्ति की ओर से उसका फ्रेंड्स, उसका रिलेटिव, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, सोशल ग्रुप मामले को कोर्ट में ले जा सकते हैं। और मामला को जब कोर्ट में जाएगा या जुडिशरी में जाएगी, तो जुडिशरी उस मामले की जो हैंडलिंग है ठीक उसी तरह से करेगी जैसे कि वो जनरल केसेस की करती है। रिजल्ट क्या निकलेगा कि इस लिबरल अप्रोच से, इस लिबरल प्रोसेस से कोई भी व्यक्ति अपनी सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन के बिहाव पर जस्टिस प्राप्त करने से वंचित नहीं हो सकता, और न ही कोई व्यक्ति अपने सामाजिक और आर्थिक स्थिति के कारण पूरे जुडिशियल प्रोसेस पर अपनी मोनोपोली स्थापित कर पाएगा। क्लियर? इसका मतलब यह हो गया कि न्याय की पहुंच यानी जुडिशरी का जो एरिया है, वह जुडिशरी का एरिया क्या था, जो अब तक सिर्फ कैपेबल पर्सन के दरवाजे तक ही था, वह जुडिशरी का एरिया कहां तक पहुंच गया, समाज के वीकर सेक्शन तक, समाज के। अब कोई भी पर्सन यह कह सकता है कि हम अपनी सोशल कंडीशन या हम अपने इकोनॉमिकल कंडीशन के वजह से जस्टिस नहीं गेन कर पाएंगे, जस्टिस नहीं ले पाएंगे। ठीक, ये लिबरल अप्रोच में आ गया। अब इसकी डिमेरिट क्या आ जाती है? डिमेरिट ये हो जाती है कि मिनिमम कास्ट पर अगर जुडिशियल प्रोसेस चलता है, तो पीआईएल के अंतर्गत क्या था कि आप एक इनवेलप पर भी अपने इश्यूज को जुडिशरी में भेज दें, तो उस इनवेलप या पोस्ट कार्ड पर भी आपके मामले को जुडिशरी एक्सेप्ट कर लेगी। क्लियर? जुडिशरी के इस लिबरल अप्रोच के कारण जुडिशरी के पास पीआईएल के रूप में ऐसे मामले आने लगे जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट के थे। अब जुडिशरी के ऊपर वर्कलोड बढ़ गया, और जब वर्कलोड बढ़ गया तो जुडिशरी की क्वालिटी क्या होगी, डिक्लाइन करेगी। भाई वर्कलोड अगर बढ़ गया तो उसका यानी जुडिशरी के ऊपर कार्यों की अधिकता अगर होगी तो उसकी गुणवत्ता प्रभावित होगी कि नहीं। ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल को लेकर एक गाइडलाइन दे दी और कहा कि किसी भी मामले को पीआईएल के रूप में एक्सेप्ट करने का लास्ट पावर जुडिशरी के पास होगा। यानी कोई भी मामला अगर पीआईएल के रूप में अगर जुडिशरी के पास जाता है, तो जुडिशरी पीआईएल के रूप में एक्सेप्ट करे या ना करे, ये डिसीजन किसका होगा, जुडिशरी का। यानी मींस आप
पीआईएल के थ्रू देते भी हैं, अगर पीआईएल के थ्रू देते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जुडिशरी आपके मामले को एक्सेप्ट कर ही लेगी। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट उसने कहा कि जुडिशरी केवल उन्हीं पीआईएल को एक्सेप्ट करेगी जिस पीआईएल का ऑब्जेक्ट सोशल इंटरेस्ट में होगा, है कि नहीं? इसका मतलब कि लिबरल अप्रोच ऑफ जुडिशरी, दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन को हटा दिया उसे, यानी रिमूव द सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन एंड प्रोवाइड द इक्वल कंडीशन ऑफ द जुडिशरी, सबको बराबर दे दिया और सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया वहां से। तो पीआईएल के द्वारा या पीआईएल के माध्यम से न्यायपालिका समाज के कमजोर से कमजोर व्यक्ति तक अपनी पहुंच को बनाने में क्या हो गई, सफल हो गई। अब कोई भी व्यक्ति आज की कंडीशन में, अब कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम न्याय प्राप्त नहीं कर सकते। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा जॉली एलएलबी मूवी जाकर देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से इंटरप्रेटेट किया है। लास्ट है जिसमें जज खुद कहता है कि कभी कभी न्यायपालिका के समक्ष ऐसे ऐसे मामले आते हैं जिसमें न्यायपालिका डिसीजन देने के लिए अपने आप को प्राउड फील करती है। समझ रहे हैं? एक कंडीशन तो ये थी, क्लियर हो गया ये। दूसरा पॉइंट है,